गुड मॉर्निंग 9th क्लास। इससे पहले पार्ट में हमने प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत नर्मदा नदी एवं तापी नदी, इन दो नदियों की विशेषताओं को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोदावरी द्रोणी और महानदी, इन दो नदियों की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक गोदावरी द्रोणी। अब आपके सामने जो प्रायद्वीपीय नदियों की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी, जो सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है जिसे हम कह सकते हैं वो है हमारी गोदावरी नदी। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बच्चों याद भी रखना है कि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अब जो गोदावरी नदी है एक बड़ी और लंबी नदी है, तो इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, मांजरा, वेन गंगा तथा पेन गंगा। ये जो नदियाँ हैं ये हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। अब गोदावरी नदी जो बहती है वो महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, उड़ीसा में बहती है तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी नदी है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये क्या है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है कौन, गोदावरी नदी। तो आप इसको मानचित्र की सहायता से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ये यहाँ से निकलती है और इस तरीके से ये निकलती है और इधर आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, उड़ीसा में बहती है तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। तो आप समझ गए कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप इसको मानचित्र में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, अभी हमने पढ़ा पूर्णा, वर्धा, मांजरा, वेन गंगा तथा पेन गंगा, ये आपको सब दिख रही हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, किसे, गोदावरी द्रोणी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है महानदी द्रोणी। अब महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती, ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती, कौन, महानदी। यह नदी 860 किलोमीटर लंबी है। कितनी है इसकी लंबाई, 860 किलोमीटर। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, जो इसका निचला भाग है उसमें क्या होता है, नौ संचालन भी होता है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। जो इसकी अपवाह द्रोणी मीन्स इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग जो है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। तो आप इसको मानचित्र में अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ से हमारी महानदी निकल रही है और किस तरीके से ये निकल के ऐसे इधर से जाके ये कहाँ, आपके कहाँ निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है अपने, किसको, अपने जल को, अपना जो जल है उसको बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो आप समझ गए होंगे कि महानदी का उद्गम, जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। तो ये थी आपकी महानदी द्रोणी और ये आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।